हम लोग एक आए हैं बहुत ही अलग जगह पौंडिचेरी की। ये इवन पौंडिचेरी की नहीं, पूरी इंडिया की सबसे एक अलग जगह है जहाँ पर ना तो कोई कानून चलता है। ये मतलब इसकी अभी मैं हिस्ट्री बता दूंगा, पहले एक आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसको क्या बोलते हैं और इसके बारे में फिर इसके फर्दर हिस्ट्री बताता हूँ। एक बाहर का पहले व्यू देखो आप लोग। मैं इस जगह के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस जगह को बोलते हैं ऑरोविल। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, ये ब्लॉग देखने के बाद एक बार इंटरनेट पर ज़रूर सर्च करिएगा कि ऑरोविल क्या है। ऑरोविल एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी स्टेट का कानून नहीं चलता। जैसे ये जो ऑरोविल जगह है ये पड़ती है आपकी आधी तमिलनाडु में आधी पौंडिचेरी में। यहाँ पर जो गवर्नमेंट रन होती है वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, मतलब यहाँ पर एक सोसाइटी है उसके थ्रू ये सब रन होता है और जिसे सपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। ये जो जगह पड़ती है ये बेलूपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है। अब ये ऑरोविल क्या है? ऑरोविल एक टाइप का गाँव है, एक अलग ही एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जिसे 1968 में बनाया गया और जिसे बनाने वाले थे, आपने नाम सुना होगा, संत अरविंदो। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेडी थी जिनका नाम था मीरा अल्फ़ज़ा, ठीक है, इन्हें दी मदर के नाम से बोला जाता है। तो इन्होंने 1968 में एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेके आए, ये एक ऐसा टाउनशिप बनाना चाहते थे कि जहाँ पर किसी भी तरीके का ना तो कोई कास्ट हो, ना तो कोई रिलीजन हो, ना कुछ भी इस तरीके से फॉलो किया जाता। चलाने वाला भी कौन है? यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यहाँ पर ना कोई इस टाइप का पैसा चलता है, ना कुछ चलता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सिर्फ यहीं रहते हैं, यहीं सारा काम करते हैं और यहीं पर ही बढ़ते हैं। यहाँ पर मतलब ये मानना था कि यहाँ पर ना ये नहीं है कि यहाँ के लोग नौकरी करने जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जब बनाया गया तब यहाँ पर बोला गया था कि मैक्सिमम 50,000 लोग रह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था। बट स्टार्टिंग 1968 से 20 सालों तक सिर्फ 400 लोग आए, ठीक है। उसके बाद आज यहाँ पर टोटल 3200 लोग रहते हैं। आपको पता है कितनी कंट्रीज़ के यहाँ लोग रहते हैं? 54 डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें इंडियंस, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब टोटल 54 कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। कोई भी यहाँ आकर रह सकता है, आप भी आकर यहाँ रह सकते हो, पर आपको एक रूल है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्सिडीज़ लेकर आ गए, आपको पैसा, मोह माया सब कुछ यहाँ पर छोड़कर आना पड़ेगा, 2 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि आप एक ऑरोविलियन बनने लायक हैं या नहीं है, तब एक आप एक ऑरोविल में आप प्रवेश कर सकते हो। तो ऐसी खतरनाक और ऐसी अच्छी जगह, मतलब, और पता है आपको, पता है 3 बार यूनेस्को ने ना इसको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आपकी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है, स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इसकी प्रशंसा की है कि मतलब ये बहुत अच्छी जगह है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग वहीं घूमने आए हैं, हो सके तो इस ब्लॉग के बाद जाइएगा इंटरनेट पे, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, काफ़ी रोमांचक जगह है। अभी हम लोग यहाँ घूमने आए, पौंडिचेरी में पड़ती है। पौंडिचेरी मतलब मेन जगह से, मतलब आपके रॉक बीच से करीब अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पर क्या है कि ग्लोब है, तो वो ग्लोब दिखाऊंगा, उसके बारे में आगे की चीज़ें बताऊंगा। और अभी आप लोग ये देखो जो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को पिक्चर्स, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। पिक्चर अभी मैं इसकी रियल पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्चुअली इस ग्लोब को बोलते हैं मैत्री मंदिर। ये एक पीस, डिवाइन का एक प्रतीक है, ठीक है। इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। इसके आगे आगे चलते हैं तो कैसे इसकी स्टार्ट हुई। ये है संत अरविंदो की फोटो, ये है मीरा अल्फ़ज़ा दी मदर जिनको बोला जाता है। आगे जाते हैं, कैसे इनॉग्रेशन ऑफ ऑरोविल हुआ। यहाँ जर्मनी आपको दिख रहा है, फ्रांस, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ पर रहने आए। तो पीपल फ्रॉम 124 डिफरेंट नेशनलिटी ब्रिंग अ सिंपल्स ऑफ सॉइल फॉर फ्रॉम देयर कंट्री डिपॉजिट हेयर, मतलब कितने सारे कंट्रीज़ की यहाँ पर अब मिट्टी है। उसके बाद आगे चलते हैं, से यहाँ पहले लोग रहने आए, सबसे पहले ऑरोविलियंस यहाँ पर रहने आए। 1968, 1970, 1983 यूनेस्को रेजोल्यूशन ऑन ऑरोविल यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा, ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर, ऑरोविल बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी एज अ होल, फॉलोइंग अ स्ट्रगल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयर्स द योगा ऑफ द संत अरविंद इज नॉट अ रिलीजन। यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया ऑरोविल को रिकोगनाइज करने के लिए। ये मैत्री मंदिर की टाइमिंग है 9:30 AM to 4:45 PM, संडे को 9:30 to 1 PM, ठीक है। अब ये व्यू पॉइंट है, इसके अंदर चलते हैं। Thank you.
दिखाया ना वो क्या था कि वो इन्फॉर्मेशन सेंटर था वहाँ पर, मतलब बड़े बड़े फोटोज़ में बताया गया है किस तरीके से ये ऑरोविल बना, इसका फाउंडेशन हुआ। फिर जो ग्लोब दिखाया मैंने वो स्ट्रक्चर, एक्चुअली जो मैत्री मंदिर है जो ग्लोब है उसके अंदर पूरा, मतलब आप अंदर जा सकते हो, बट अभी कोरोना की वजह से अंदर जाना मना है तो आप अंदर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ अभी हम मैत्री मंदिर पहुँचेंगे, मैं एक अलग दो अलग अलग चीज़ें हैं वो वहीं पर एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छी हैं। और इससे पहले कि एक छोटी सी 10 मिनट की मूवी थी, उन्होंने बोला कि वो देख के जाओ, उसके बाद फ्री पास रहता है, फ्री पास लेकर आप चले जाओ मैत्री मंदिर। और काफ़ी अच्छा बना हुआ अंदर, काफ़ी अच्छा है मतलब, और आप देखोगे ना हर जगह आपको फॉरेनर्स वगैरह और जो यहाँ ही रहते हैं वो आपको देखते हुए मिल जाएंगे, बहुत आम है यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं वहीं पर पहुँच के कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट की चीज़ें, आप भी सीखो मैं भी सीख रहा हूँ, सीखते रहेंगे। ब्लॉग में बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं, जो मतलब यार ये ग्लोब बहुत बड़ा है, मतलब अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सच में बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, एक बार चलो और आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर इसमें मैं जो स्पेशलिटी है वो बताता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, ये देखो पहले आप लोग ग्लोब देखो एक बार। अभी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोरोना चल रहा है। अब मैं इसकी फैसिलिटी बताता हूँ आपके ऊपर, आपको ये ऊपर मंदिर के ऊपर एक डंडी दिख रही होगी, यहाँ पर क्या हीलियो स्टेट लगा हुआ है। हीलियो स्टेट क्या करता है, जो सूरज की आने वाली जो रोशनी होती है उसको अपने अंदर खींचता है और इसके अंदर ले जाता है। इसके सेंटर में ना एक क्रिस्टल रखा है, क्रिस्टल, वो क्रिस्टल से नीचे की तरफ लोटस, यहाँ पर एक ग्राउंड मतलब नीचे की तरफ एक लोटस लगा है, वहाँ पर लाइट पड़ती है सन की और ये पूरा ना ग्लोब ऐसे चमकता है, सूर्य की रोशनी से ना चमक जाता है। ठीक है, अभी अंदर से चमक रहा होगा बट यही हमारे मतलब मुश्किल है कि हम जा नहीं सकते। आपको मैंने जो छोटा सा ग्लोब दिखाया था ना, मतलब जो मैंने उसके अंदर देखना, बीच में आपको हीलियो स्टेट मैंने जूम करके दिखाया था। इसके साइड आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ का रियल बताता हूँ आप लोगों को, सामने वो वाइट कलर का दिख रहा होगा। एक्चुअली ये चीज़ बनी थी जब ऑरोविल 1968 में फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पर 124 देश और उस समय 23 स्टेट इंडिया के, इन लोगों ने आके यहाँ पर एक एक मुट्ठी मिट्टी दी थी। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर देश आए थे, 124 देश के लोग प्रतिनिधि आए थे और ये चीज़ यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया था ऑरोविल का। जो लोग यहाँ पर संत अरविंदो को मानते थे उन्होंने इतना अच्छा किया। और देख सकते कितना प्यारा यहाँ पर पानी का निकाला गया है और भी कंस्ट्रक्शन में है और उस साइड भी यहाँ पर कुछ बन रहा है। किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर ये ग्लोब बना हुआ है जिसको मैत्री मंदिर बोला जाता है और वो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन 1968 में जो रखा गया ऑरेबिल का। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे ना बरगद का पेड़ दिख रहा होगा, ये जो सामने दिख रहा है ना ये बरगद का पेड़ है और ये यहाँ पर मैत्री मंदिर है। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रुथ बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा, जो वो ये जो बरगद का पेड़ है ये सेंटर पॉइंट है ऑरोविल विलेज का। ठीक है, लेकिन अब उसको काट के तो हम लोग ये चाहते थे कि ये सेंटर में बने, बट अब उस पेड़ को काटना सही नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी 1968 से पहले से था, तो इसको यहाँ साइड में बनाया गया और उस पेड़ को टच नहीं किया गया। वो रियल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ऑरोविल विलेज का। कुछ कुछ तो आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू सीखने को मिलता होगा और बाकी इन लोगों के भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि अभी तक पौंडीचेरी में इन लोगों का सफ़र कैसा रहा, और इन लोगों से बात करते तीनों के तीनों बैठे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है क्योंकि पसीना और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फिर भी एक बार रिव्यू ले ही लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स दिख रहे थे साइकिल चलाते हुए और गाड़ी चलाते हुए, अपना काम करते हुए, बाकी पीसफुल एनवायरनमेंट है बहुत। इवन दो गर्मी है लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही शेडी है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे और साइकिल वाइकल भी रेंट पे मिल जाती है। तो क्या रियल ऑरोविलियन आप बनना चाहोगे? तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट थोड़ा और यहाँ पे रहने के बाद मैं डिसाइड जब करूँगा तब जरूर बताऊँगा। चलो भूपेंद्र भाई से पूछते हैं, भूपेंद्र भाई कैसा रहा पौंडीचेरी का सुबह का रॉक बीच और ये ऑरोविलियन मैत्री मंदिर वगैरह? यार रॉक बीच वॉज ऑसम, लाइक वहाँ का सूर्य का सनराइज देखना बनता है पौंडीचेरी में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉक अबाउट दिस ऑरोविल, मतलब आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है इसका, और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब जो इसकी सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, लाइक सो वन कैन रिव्यू बचा था। सचिन भाई कैसा रहा यहाँ पर घूम कर? एकदम यूनिक एक्सपीरियंस लगा, जब
नया देखने को मिला। क्या रियल ऑरोविलियन बनना चाहोगे? यस बिल्कुल। तो 2 साल रहने को तैयार हो यहाँ नौकरी छोड़ के? चलो थैंक यू। आई थिंक गाइज आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ब्लॉग लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो क्योंकि अभी का ये ब्लॉग यहीं पर हम एंड कर रहे हैं बिकॉज ब्लॉग बड़ा हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको पौंडचेरी में दिखाऊँ वो थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कराऊँ, उनके बारे में बताऊँ, जिससे कभी आप लोग आओ तो आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, मेरा मकसद भी यही बनाने का रहता है ब्लॉग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना है, ब्लॉग को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अभी पौंडचेरी के लगातार ब्लॉग्स आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वाले, जो भी बता सकता हूँ सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।